नॉलेज सेक्शन बेसिकली एक इमेज है जो कि लाइव मिंट ने शेयर की थी ऑन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली इसी म्यूचुअल फंड खरीदने के तीन तरीके हैं। एक तो है कम्प्लीटली डू इट योर सेल्फ, कि भाई मैं खुद अपना फाइनेंशियल प्लान बनाऊं, समझूं कि कितना पैसा मुझे म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, फिर मैं खुद म्यूचुअल फंड रिव्यूज़ करूं कि अच्छा ये फ़ंड मेरे लिए अच्छा है, ये फ़ंड की कैटेगरी मेरी अच्छी है, ठीक है, और वो सारी चीज़ें समझूं और फिर उसमें SIP सेटअप करनी है या लमसम इन्वेस्ट करना है या STP सेटअप करनी है, जो भी करना है वो सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन एक किसी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू या डायरेक्टली म्यूचुअल फंड वेबसाइट से सेटअप कर लूँ। तो ये तो डू इट योर सेल्फ है, सब कुछ मैंने किया। सेकेंड ऑप्शन है जो ऑब्वियसली सबसे पॉपुलर है, वो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वो रेगुलर प्लान फंड्स। अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग होते हैं, एक तो HDFC बैंक है, आपने HDFC बैंक या ICICI बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, वो रेगुलर प्लान में किया, उन्होंने आपको सपोर्ट दिया, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया, कुछ है तो वो किया, तो वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। सेकेंड है कि आपने एक कोई पर्सन है जो कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, ए ह्यूमन इज देयर, ठीक है, तो वो आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मे बी एडवाइज इज नॉट द राइट वर्ड बट एटलीस्ट सपोर्टिंग इन ऑल द थिंग्स विद हिज एक्सपीरियंस, ही इज एडवाइजिंग यू ऑल्सो, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अलाउड एज सच, बट स्टिल मतलब एक्सपीरियंस से ही इज टेलिंग यू कि ये अच्छा फंड है, ये नहीं है, इतना इन्वेस्ट कर लो, इतनी SIPs कर लो, तो वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो ये है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक काफ़ी बड़ी कैटेगरी, ऑब्वियसली पहले यही एग्जिस्ट करते थे, अब जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में डायरेक्ट प्लान भी आ गया, पहले तो था ही नहीं डायरेक्ट प्लान्स। तो लेकिन इसमें भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो ये इनको कमीशन मिलता है म्यूचुअल फंड से, राइट, बिकॉज ये रेगुलर प्लान्स होते हैं, बट इसका कमीशन कंसिस्टेंटली कम किया है। अगर आप यहाँ पर चेन देखेंगे तो वही है कि 2008 में NFO का कमीशन बंद किया, फिर एंट्री लोड हटाया, पहले एंट्री लोड भी मिलता था जब म्यूचुअल फंड में डालते थे तो कुछ फीस कटती थी, तो वो भी हटाया SEBI ने, राइट, फिर एक इंसेंटिव देते थे कि छोटे टाउन्स के लिए इनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते थे, वो भी 2023 में हटाया, फिर डायरेक्ट प्लान्स इंट्रोड्यूस किए, तो इनके ऊपर भी कंसिस्टेंटली और ओवरऑल भी जो इनका इनका जो कमीशन है वो कंसिस्टेंटली कम SEBI ने किया है, ठीक है। तो अभी 100,000 सच म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर देयर ओवरऑल इन द मार्केट जो एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये एक सेकंड ऑप्शन है जो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं, अगर आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है इनसे, आपको लगता है कि दिस पर्सन और दिस कंपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी इज एडिंग वैल्यू टू मी, ठीक है, और सब मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा बिहेवियर मैनेज करते हैं, मेरे को डिसिप्लिन रखते हैं, मेरा सारा ऑपरेशन देख लेते हैं, ठीक है, ठीक ठाक एडवाइस देते हैं, तो बिल्कुल, तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। थर्ड जो ऑप्शन एक रिसेंटली 4-5 साल पहले SEBI ने रिड्यूस किया, विच इज़ नॉट येट वेरी पॉपुलर, ठीक है, तो विच इज़ RIA, विच इज़ बेसिकली फिनेंशियल डॉक्टर, एकदम डॉक्टर की तरह वर्क करते हैं वो। तो उनका क्या सिस्टम है कि भाई आप आओ, आप अपना, हम आपका फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे, आपका पूरा एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे कि यहाँ इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतनी SIPs करो, या यहाँ पर इतना इन्वेस्ट करो, इतना लमसम करो, जो भी चीज़ है, ठीक है, ये सब करो और हो जाएगा। तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया आप और फीस ली कि ये प्रिस्क्रिप्शन की फ़ीस है, जैसे डॉक्टर फीस लेता है, और आप जो है उसके बाद जहाँ से आपको वो इन्वेस्टमेंट करना है आप कीजिए, ठीक है। और अगर आप उनके थ्रू कर रहे हैं तो आप उनको कमीशन बेस्ड स्ट्रक्चर पे भी कर सकते हैं, मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड से नहीं मिलेगा, और डायरेक्ट प्लान में ही होगा वो, ठीक है। तो ये एक RIA स्ट्रक्चर, इट्स नॉट दैट पॉपुलर, क्योंकि सिर्फ 950 ही RIAs हैं करेंटली, ठीक है, और क्या कहते हैं, सिर्फ 75% उनमें से जो है वो टॉप 5 सिटीज़ में से है, टॉप 5 सिटी में ही है, कि ऑब्वियसली इट्स कंप्लायंस बर्डन है एंड क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, स्टिल नॉट वेरी पॉपुलर इन इंडिया, बट SEBI यही जो मैंने बताया था ना आपको न्यूज़ में कि 1,000,000 करना चाह रही है, वो 934 है करेंटली, उनको 1,000,000 RIAs जो है SEBI चेयरमैन ने कहा कि आई हैव अ टारगेट ऑफ 1,000,000, तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एक अच्छा मॉडल डेवलप हो रहा है कि अगर आपको एक कम्प्लीटली अनबायस्ड एडवाइस चाहिए, जैसे डॉक्टर हम जाते हैं तो हम ये सोचते हैं ना कि भाई मैंने अपना हेल्थ बताया तो उन्होंने एक अनबायस दिया, उन्होंने इस थॉट प्रोसेस से मुझे दवाई नहीं दी कि इसमें मेरे को ज़्यादा कमीशन मिलेगा, तो वही थॉट प्रोसेस बेसिकली RIA मॉडल है। तो दीज आर द 3 मॉडल्स विच करंटली आर, एक तो कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट DIY, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एज आई सेड सपोर्ट है, एग्जीक्यूशन सब चीज़ों का, तो प्लीज़ गो विद देम, और अगर नहीं तो एक सब्सक्रिप्शन मतलब प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड RIA मॉडल, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 मॉडल्स हैं जिसमें इन्होंने बताया है, तो विच आई थॉट आई विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 43 लाख प्लस करोड़ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड वी ऑल्सो टॉक लॉट हाईली अबाउट दिस इंडस्ट्री बिकॉज वेरी ट्रांसपेरेंट, तो बट कैसे करना है क्या करना है, तो आई थॉट कि आई विल शेयर दैट विद यू, आई होप दैट आपको ये नॉलेज सेक्शन अच्छा लगा, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस इज अ लेटर विच पराग पारिक
म्यूचुअल फंड रोड टू देयर इन्वेस्टर्स राइट, और यूनिट होल्डर्स विच दे कॉल राइट। और बहुत एक क्वेश्चन था विच दे आस्ट, मतलब उन्होंने कुछ अपने क्वेश्चंस लिखे हैं, उन्होंने खुद आंसर किए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं तो हम पहले ही आंसर कर देते हैं। समथिंग लाइक जोमैटो राइट, जोमैटो बहुत सारे अर्निंग कॉल्स के क्वेश्चन पहले ही आंसर कर देता है। तो वो तो काफी इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है कि और हमसे भी लाइक बिकॉज वी रन मॉडल पोर्टफोलियोज एंड काफी सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, सो मेनी पीपल हैव सब्सक्रिप्शन एंड व्हेन आई डू दीज लाइव सेशंस ऑन मॉडल पोर्टफोलियो तो एक टिपिकली ये बहुत क्वेश्चन आता है कि आप जो है रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते राइट। ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो में कोई मतलब रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक कोई नहीं है, या फिर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई EMS स्टॉक है, सेमीकंडक्टर स्टॉक क्यों नहीं है राइट। ये एक टिपिकली पीपल आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज दीज स्टॉक्स हैव डन वेल रिसेंटली राइट। तो काफी सारे इनमें से स्टॉक्स जो है ये एक अपकमिंग थीम्स है जिसमें वी ऑल्सो टॉक अलॉट अबाउट इट एंड, बट ये कोई भी पोर्टफोलियो में या मेजर पोर्टफोलियोज में नहीं है। कुछ है तो वो थीमेटिक पोर्टफोलियोज में है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हमारे जो कोर पोर्टफोलियोज हैं उनमें ये स्टॉक्स क्यों नहीं है, इन्होंने वो मतलब अगेन वी ट्राई ऑल्सो, बट समटाइम्स जो दूसरा जो है काफी अच्छे से हमसे बेटर तरह से समझा रहा है, तो बहुत अच्छे से इन्होंने वो चीज बताई कि इन्होंने कहा कि भाई हम ये सब चीजों पे फोकस नहीं करते कि ये कौन सा सेक्टर है क्या है, हमारा फोकस सिर्फ तीन चीजों पे है राइट, कि हम ग्रेट प्रोमोटर्स मैनेजर विच आर अलाइन विद माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट ठीक है, और अच्छे बिजनेस वो कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा बिजनेस राइट। तो हमारा गवर्नेंस फैक्टर, हमारा जो है एंटरप्राइज फैक्टर, ग्रेट बिजनेस एज डिवाइन क्रिएट गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल एंड वैल्यूएशन फैक्टर। तो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हम तीन बिजनेस में, ऑब्वियसली इनका फाइनेंशियल फैक्टर और इंडस्ट्री फैक्टर इन्होंने बिजनेस में डाल दिया। तो ये 5G थॉट प्रोसेस से अगर हम देखें जो हमारा है राइट, तो उसी पे है कि गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस होना चाहिए, एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं और वैल्यूएशन की। उन्होंने कहा कि तीन फैक्टर्स हैं, अगर ये तीन फैक्टर में हमारा फिल्टर में फिट होता है, व्हेन वी अप्लाई दिस अबव फिल्टर, तो काफी सारे सेक्टर्स कंपनी इन फिल्टर्स में नहीं आते राइट। और तो उसमें आप ऑब्वियसली जस्ट इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विच आर सिर्फ दिख रहे हैं अच्छे, इसीलिए उसमें इन्वेस्ट करो, दैट इज नॉट राइट। हमारे फिल्टर्स हैं, हमारे थॉट है, हमारा एक मतलब डाइवर्सिफिकेशन थॉट प्रोसेस है, रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए राइट। तो वही है ना, पोर्टफोलियो जब बनता है तो देर आर टू मेनी थिंग्स विच आपका जो फिलोसफी है आपको उस पर वो फिट होना चाहिए राइट। तो वही मैं काफी बोलने की कोशिश करता हूँ, तो इन्होंने काफी अच्छे से समझाया, उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए उसमें। उन्होंने बेंजामिन ग्राहम के दो मतलब मॉडल्स बताए, उन्होंने कहा कि ऑब्वियस प्रोस्पेक्ट फॉर फिजिकल ग्रोथ इन अ बिजनेस डू नॉट ट्रांसलेट इन टू ऑब्वियस प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टर्स राइट, एंड एक्सपर्ट्स डू नॉट हैव डिपेंडेंट वे ऑफ सिलेक्टिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनीज इन द मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडस्ट्रीज राइट। तो इन्होंने ये चीज दो कॉन्टेक्स्ट में समझाई। इन्होंने कहा कि प्राइवेट एयरलाइंस इंडस्ट्री 90 में, मतलब जो इंडिया में एयरलाइंस वॉज नॉट प्राइवेटाइज कंप्लीटली, सिर्फ इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया टाइप की कंपनीज थी जो कंप्लीटली PSU ड्रिवन थी, फिर उसको ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर में। तो इन्होंने कहा कि क्या वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था, वुड प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन 1990, दे सेड नो, बिकॉज ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस आई, सारा एयरलाइंस आई, जेट एयरलाइंस आई राइट, एयर डेक्कन आई, किंग फिशर एयरलाइन, इतनी सारी एयरलाइंस आई और सब प्राइवेट कंपनीज आई। तो अब एक्सपेक्टेशन तो ये है ना कि ये प्राइवेट कंपनीज आएंगी, वो पब्लिक सेक्टर का शेयर लेंगी और बढ़ेंगी, बट नहीं, इन्वेस्टर्स लॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन इट। सिमिलरली इन्होंने अगेन प्राइवेट मोबाइल टेलीफोन का एग्जाम्पल दिया कि भाई 90s में सिर्फ MTNL BSNL था राइट, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया गया, तो कौन फिर क्या उसमें पैसे बने, तो टाटा डोकोमो आया, एयरसेल आया, एसएल आया, BPL मोबाइल, रिलायंस कम्युनिकेशन आया, बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई, बट अगेन मतलब बहुत सारी कंपनी बंद हो गई, पीपल कुडंट मेक मनी। तो दैट्स व्हाट दे सेड कि भाई बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमेशा अपकमिंग इंडस्ट्री है या बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उसमें जरूरी नहीं है कि वी विल ऑलवेज फाइंड अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट राइट। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी ठीक है, एज एन इन्वेस्टर यस देर विल बी कंपनी विच विल डू लाइक 5x 2x 10x इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और हमें लगेगा, फोमो आएगा कि यार वो क्यों नहीं थी कंपनी के उसमें, या कभी हमें भी लगता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं लगता ये क्यों नहीं थी, वाई वी कुडंट सिलेक्ट इट, बट अगेन देन वी रियलाइज की नहीं ठीक है, ओवरऑल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस इज डिसेंटली गुड, वी आर टेकिंग मच लोअर रिस्क एंड वी आर गिविंग अ गुड परफॉर्मेंस एज वेल, एंड दैट्स व्हाट द अल्टीमेटली इट मैटर्स। एवरी टाइम वी कैन नॉट लैच ऑन टू द विनर्स, ये नहीं है कि सारे के सारे 12-15 स्टॉक्स और सारे के सारे मल्टीबैगर्स हमारे पोर्टफोलियो में, ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए पॉसिबल। ट्राई ये है कि एक कम कॉन्फिडेंट
कॉस्ट मतलब एक कम रिस्क पे आप मैक्सिमम बेस्ट कीजिए, यही हमारी कोशिश बेसिकली रहती है। ठीक है, तो नॉलेज सेक्शन में बेसिकली लास्ट वीक मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने मोट के बारे में, तो मैं ऑब्वियसली मैंने आंसर किया था लाइव सेशन में, बट एक स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं था, ठीक ठीक क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नोट्स वगैरह नहीं थे, तो आई थॉट कि मैं थोड़ा पढ़ूं और आपको उसके बारे में बताऊं, क्योंकि ये फैक्टर हम बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं जब हम मॉडल पोर्टफोलियो के स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, मॉडल पोर्टफोलियो में सारी चीज़ें होती हैं, तो ये इसका जो वेटेज है मोट का वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है। हमारा मोट स्कोर भी रहता है इंटरनली जो हम ट्रैक करते हैं हर कंपनी का, कि इस कंपनी का मोट है कितना। तो मोट बेसिकली क्या होता है कि एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, बेसिकली उसको मोट बोलते हैं कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, मेरे पास क्या ऐसी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है जो मेरे को अलग करती है, तो वो बेसिकली मोट है और उसका स्कोर रहता है मोट। अब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो हाई मोट, नैरो मोट। सिमिलरली कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बढ़ रही है या कम हो रही है, आपके पास आज है बट कल नहीं है, या आज है और बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो उसको, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ट्रैक करनी होती है जिससे आपको पता चलता है यार ये कंपनी जो है ये आगे भी अच्छा करेगी थोड़ा सा, मतलब ये एक आपको क्वालिटी ऑफ द कंपनी, स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी पता चलती है इसमें। तो ये बहुत अच्छा सा मुझे बेसिकली एक नोट्स मिले थे फ्रॉम कंपाउंडिंग क्वालिटी, एक ट्विटर हैंडल है तो उनको मैं फॉलो करता हूँ, तो ये आई रेड अबाउट इट, तो आई थॉट कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है, आई विल शेयर विद यू। तो बेसिकली पांच मोड की इन्होंने बात की है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊँगा। एक स्विचिंग मोड, स्विचिंग कॉस्ट, कि एक टेक जब से आईटी आया है, या आईटी में जो कंपनीज काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती हैं वो इसी वजह से ही मानी जाती हैं, क्योंकि दे हैव ए वेरी हाई स्विचिंग कॉस्ट। सिंपल है ना, आप अगर एक किसी सिंपल, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि आप अगर किसी कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो अब आपने वो कंपनी की वेबसाइट बनाई, आपने कोड लिखा है, आपने सारे चेंजेस किए, इंटीग्रेशन किए हैं अलग अलग सिस्टम्स के साथ उसको, तो आप ही उसको मेंटेन करोगे, आप ही आगे उसमें चेंजेस करोगे, है ना, क्योंकि वो दूसरे के लिए बोलोगे कि अरे यार दूसरा लेके आओ, और वो करेगा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो सेल्सफोर्स जैसे सीआरएम सिस्टम्स होते हैं, बड़े बड़े ईआरपी सिस्टम होते हैं, एसएपी जैसी कंपनीज हैं, या एप्पल जैसी कंपनीज हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं, राइट। तो दे डू लॉट ऑफ बी2बी बिजनेसेस एंड इवन टीसीएस एंड इंफोसिस जैसी कंपनीज हैं, तो ये सारी कंपनीज में एक बहुत ही स्ट्रांग स्विचिंग कॉस्ट होता है, क्योंकि इन कंपनीज को हटा के दूसरी कंपनी लाना वो एक बहुत बड़ा पैसा खर्च, अच्छा खासा खर्च होता है, अच्छा खासा चेंज मैनेजमेंट रहता है उसमें, तो ये बहुत आसानी से नहीं होता है और बहुत आसान कर नहीं पाता है कोई, तो इसलिए ये आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वही मतलब काफ़ी स्ट्रांग मोड माना जाता है। ये केमिकल सेक्टर में भी देखा जाता है एक्चुअली, क्योंकि केमिकल सेक्टर भी एक काफ़ी जगह रॉ मटेरियल यूज़ होता है, अब सब केमिकल्स की क्वालिटी थोड़ी बहुत डिफरेंस तो रहती ही है, तो कोई अगर उसको एंड प्रोडक्ट में अपना एक केमिकल यूज़ कर रहा है, तो इवन फार्मा में एपीआईज पर्सपेक्टिव से भी, तो वो दे वुड वांट टू यूज़ दैट ओनली, तो दे डोंट वांट टू चेंज इट, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने यहाँ पर केमिकल चेंज किया तो थोड़ा बहुत क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा, तो मेरा प्रोडक्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इस तरह से एक स्विचिंग कॉस्ट रहती है। इंटेंजिबल एसेट मतलब बेसिकली अलग अलग टाइप, राइट, पेटेंट है आपके पास, या ब्रांड है आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कोको कोला के पास ब्रांड है, या फिर हिंदुस्तान लीवर, मैरिको, हमारे पैराशूट वगैरह ब्रांड्स हैं, डाबर ब्रांड है, तो ये ब्रांड मोट है, तो ये इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। या फिर आपका रेगुलेटरी लाइसेंस है, जैसे सीडीएसएल, स्कैम्स, इस टाइप के बिजनेस जिनके पास भाई डुओपॉली का लाइसेंस है कि आप हो डुओपॉली, आपको और कोई काम नहीं कर सकता आपके वाला जो कर रहे हो, राइट। तो या फिर पेटेंट्स है कि आपके पास ऐसा कोई पेटेंट है, जैसे यूएस वगैरह में फार्मा कंपनीज इस पेटेंट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा क्रिएट मोड क्रिएट कर लेती है, राइट। तो ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स वाले मोड है। थर्ड है नेटवर्क इफेक्ट। अब ये नया अगेन ये ई कॉमर्स और डिजिटल मीडिया की वजह से ये बहुत स्ट्रांग मोट हो गया है, ये बहुत ज़बरदस्त बन गया है। तो ये बेसिकली क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो अब नया बायर आएगा तो कहेगा अरे बहुत सारे सेलर्स हैं तो मैं यहीं आऊँगा, और एक नया सेलर आएगा तो कहेगा अरे यहाँ बहुत सारे बायर्स हैं इसलिए मैं आऊँगा। तो इसीलिए बेसिकली यही होता है, जैसे Naukri.com एक क्लासिक एग्जांपल है, या फिर हमारे इंडिया मार्ट अगर हम बात करें, या फिर काफ़ी कोई भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनीज जो है ये एक स्विच मतलब बेसिकली नेटवर्क इफेक्ट वाले मोड में है, या वीज़ा जैसी कंपनी है, ठीक है, मास्टर कार्ड, ये सारी कंपनीज हैं, ये सारे नेटवर्क इफेक्ट वाले, या इवन पेटीएम अगर इंडिया की बात करें तो ये सारे नेटवर्क इफेक्ट वाले कंपनी हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, राइट। तो अब दूसरे के लिए वो नेटवर्क क्रिएट करना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रांग मोड बनता जा रहा है, और ये इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि जितने लोग और आएंगे वो उतना स्ट्रांग और होता रहेगा। नया सेलर आया तो और बायर आएंगे, अरे यार सेलर तो यहीं है, ये सामान तो यहीं बेचता है, मैं और कहीं नहीं बेचता तो मैं यहीं आता हूँ, तो वो सारी चीज़ है। कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है, टिपिकल आई थिंक डी मार्ट इज़ अ क्लासिक एग्जांपल इन इंडिया, ठीक है। तो अगर हम एक फ्रॉम रिटेल परस्पेक्टिव देखें कि दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉस्ट एडवांटेज एंड रिलैक्सो ऑल्सो, राइट। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो बहुत ही ऐसे प्राइस पे प्रोडक्ट्स बेच पाती हैं जो कोई भी नहीं बेच पा रहा है, राइट। यूएस में जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया वॉलमार्ट और नाइकिया है, तो ये
एक कॉस्ट एडवांटेज है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और आपका जो एफिशिएंटली पूरा सप्लाई चेन है वो इतना ज़बरदस्त है राइट, कि आप ऐसे कॉस्ट पे प्रोडक्ट बेच सकते हो जो आपका कॉम्पिटिटर बेच नहीं पाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मोट है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल्स बताया आपको, एफिशिएंट स्केल, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये है बेसिकली एक एंट्री बैरियर कि आपके पास इतना पैसा है राइट कि आप ही उसमें एंटर कर सकते हो और उसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे टेलीकॉम एक क्लासिक एग्जाम्पल आई थिंक एफिशिएंट स्केल का, कि जैसे जो रिलायंस ने किया कि इतना पैसा यू एंट्री बैरियर्स में इन्वेस्ट किया कि मतलब इट इज़ वेरी टफ फॉर एनीवन एल्स टू बेसिकली मेक दैट बिजनेस राइट। या टिपिकली अगर हम बोले पावर बिजनेस है, पावर स्टेशन सेटअप करना राइट, तो इस तरह के जो बिजनेसेस हैं विच इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव, जैसे सेमीकंडक्टर बिजनेस है अभी, तो ये सारे बिजनेसेस जो हैं मेरे को लगता है ये एक स्केल इकोनॉमी के बिजनेस है कि इतना बड़ा स्केल चाहिए इन बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए। तो इसीलिए काफ़ी सारी JSW, अदानी या रिलायंस, ये सारे बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज ही इस तरह के बिजनेस मोस्टली एक्सपैंड करते हैं, पोर्ट बिजनेस है जैसे राइट। तो ये सारे बिजनेसेस में बहुत स्केल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसीलिए ये उस डायनेमिक्स में ये काम करते हैं और वो मोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम कंपनी एनालिसिस करते हैं। और अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये मोड कितना स्ट्रांग है, ये वीक है, कई हर कंपनी में थोड़ा बहुत कुछ मोड रहता है बट वो स्ट्रांग है या नहीं है राइट। तो वो इंपॉर्टेंट है, और फिर वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आज है बट मैं उसको इम्प्रूव करने की कुछ कोशिश कर भी रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए और अकॉर्डिंगली अगर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज किसी कंपनी की बढ़ती है तो क्लियर है यार वो कंपनी अच्छा रिटर्न देगी राइट। तो सिंपल है, तो वो चीज़ डायरेक्टली हम कोरिलेट कर सकते हैं, और ये क्वालिटी ऑफ द कंपनी ऑल्सो इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें हमें ट्रैक करनी चाहिए, वी ट्रैक इट वेरी क्लोजली ऑन स्टॉकोमीटर। हमारा ऐसा एज अ सेट कि मेरा प्लान भी चल रहा है, हम इंटरनली तो ये स्कोर काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। वी आर प्लानिंग की वी विल पब्लिश ऑल्सो फॉर अवर स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर फॉर अराउंड 150-200 कंपनीज का मोट स्कोर बताना शुरू करेंगे, आपको बताएंगे कि ये इस कंपनी का कितना मोट है, स्ट्रांग है, कम है, कौन सा है इनमें से राइट। तो वो सारी चीज़ें हमारा थॉट है कि थोड़ा इसके ऊपर डिटेल बताएंगे। आपको ये लगता है आइडिया अच्छा है तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, या फिर क्या कहते हैं आप ईमेल भी कर सकते हैं, investor.in वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, आप न्यूज़ अच्छी लगी। अगर कुछ कमेंट्स हैं, कुछ फीडबैक है तो कमेंट्स पे लिखिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद।